सो है व्हाट्सअप गाइस, इस उम्र को बैक टू अंदर वीडियो गाइस। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप फ्लिप्स करने जाते हो, कोई भी फ्लिप करने जाते हो और अगर आपको डर लगता है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा टिप्स बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने डर को भगा सकते हो, ठीक है। सो चले गाइस, वीडियो करते स्टार्ट, लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइस, पॉइंट नंबर वन, कंप्लीट योर बेसिक्स। सो सबसे पहले आपको फ्लिप स्टार्ट करने से पहले फ्लिप्स का जो बेसिक चीज़ होता है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर आपको बैकहैंड स्विंग सीखना हो तो सबसे पहले आपको आर्च आना चाहिए, उसके बाद आपको मंकी जंप कंप्लीट करना है, ब्रिज वॉक ओवर कंप्लीट करना है। ये चीज़ कंप्लीट करोगे तभी आप जो है बैकहैंड स्विंग कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले फ्लिप स्टार्ट करने से पहले बेसिक चीज़ों को ज़रूर से कंप्लीट करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बेसिक्स को कंप्लीट नहीं करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं एंड फ्लिप बेसिक्स को कंप्लीट किए बिना ही वो फ्लिप्स के स्टार्ट कर देते हैं, फ्लिप्स की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, वो आपको नहीं करना है। अगर आप वैसा करोगे तो आपका बहुत इंजुरी हो सकती है एंड ज़्यादा डर भी लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बेसिक्स चीज़ों को ज़रूर से कंप्लीट करना है एंड तभी फ्लिप्स का प्रैक्टिस करना चालू करना है। सो अब आते हैं हमारा पॉइंट नंबर टू, प्रैक्टिस सेफ प्लेस, ठीक है। सेफ प्लेस गाइस बहुत मैटर करता है आपका डर के ऊपर। अगर आप सेफ प्लेस पर प्रैक्टिस करते हो तो आपके दिमाग से ये हट जाएगा, मतलब आपको ये लगेगा कि अगर मैं गिर भी जाऊँ तो मुझे ज़्यादा चोट ना लगेगा। तो इससे क्या होगा, अगर आप सेफ प्लेस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो आपका जो है डर कम लगेगा, ठीक है। सो गाइज, अब आते हैं हमारा पॉइंट नंबर थ्री। पॉइंट नंबर थ्री क्या है, ओवर थिंकिंग। सो गाइज, फ्लिप प्रैक्टिस से पहले आप लोग खुद से ये सोच लेते हो कि अगर मैं गिर जाऊँगा तो मुझे इंजुरी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके ये आपको नहीं सोचना है। आप डर के बारे में जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा आपको डर लगेगा, ठीक है। सो गाइज, सबसे पहले आप जब फ्लिप का प्रैक्टिस करने जाओगे सो वहाँ पर आपको डर के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। आपको जाना है, कुछ और सोचना है, ये सोचना है कि मैं आज कर लूँगा, मुझे कुछ नहीं होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको सोचना है एंड जाना है, डायरेक्टली मार देना है। जितना आप डर के बारे में सोचोगे उतना आपको डर लगेगा, ठीक है। सो ये हो गया एक पॉइंट कि आपको डर के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सो गाइस, अब आते हैं हमारा स्टेप नंबर फोर, फ्लिप का सही टेक्निक का पता ना होना। बहुत सारे लोगों का क्या होता है, फ्लिप का सही टेक्निक पता नहीं होता है, वो लोग गलत तरीके से प्रैक्टिस करता है तो आपको वहाँ पर इंजुरी होने का चांस भी ज़्यादा रहता है एंड जो है आपको उधर ज़्यादा भी डर लगता है एंड फ्लिप को कंप्लीट करने में ज़्यादा देर भी लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो फ्लिप आप सीखना चाहते हो उसका सही टेक्निक का पता करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब में बहुत सारे ट्यूटोरियल्स होते हैं, उसको आपको चेकआउट करना है, उस ट्यूटोरियल वीडियो को आपको देखना है, ठीक है। आप मेरा भी ट्यूटोरियल चेक कर सकते हो, मैं प्लेलिस्ट ट्यूटोरियल वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फ्लिप्स का सही टेक्निक का पता करना है, उसके बाद ही आपको फ्लिप का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर फाइव क्या होता है, डेली प्रैक्टिस ना करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डेली प्रैक्टिस नहीं करते, एक दिन करते हैं, दो दिन गायब, फिर एक दिन करते हैं, फिर एक दिन गायब, इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करते हो तो आपका जब डर जो है ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना डर आपका उतना कम होगा, ठीक है। तो ज़्यादा प्रैक्टिस कम, डर कम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डेली प्रैक्टिस करना है, तभी आप जो है अपना डर को भगा सकते हो एंड अपने फ्लिप के सारे चीज़ जो है इंप्रूवमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ज़रूर आपसे डेली प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और चैनल को बनाना हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।